देखिए ये वाला इस बार आप देख सकते हैं टूट चुका है ये वाला घर। ये यहाँ पे सामने बिल्कुल ही किस तरीके से बंद है, पानी बरसात में तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। देखिए क्राउड तो है भाई, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाने चल रहे हैं जो पुराना मार्ग था अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से राम मंदिर जाने वाला मार्ग, इस मार्ग के बारे में आपको अपडेट देंगे, इसका निर्माण कार्य कितना हुआ है, अब तो बरसात भी स्टार्ट हो चुकी है और इसके बारे में भी हाल दिखाएंगे क्या मतलब फ़र्क पड़ रहा है बरसात में, दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। और ये वीडियो दोस्तों कल की डेट की शूट की गई है। यह है दोस्तों अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, अत्यंत खूबसूरत, और इसका जो नया प्रवेश द्वार बनाया गया है उधर के साइड बनाया गया है और पुराना प्रवेश द्वार इधर से है, क्योंकि ये मार्ग जो है इसका चौड़ीकरण होगा, ये मार्ग चौड़ा हो रहा है, पहले काफ़ी ज़्यादा पतला था। पुराना रेलवे स्टेशन ये है, नया इधर है, इसके ठीक सामने हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं चीज़ों के बारे में किस प्रकार से अभी चौड़ीकरण हुआ है। यहाँ पे टोटो बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा गली गली में अगर आप आएंगे तो, अभी देख सकते हैं मौके की स्थिति क्या हुई है, गुजराती धर्मशाला का तो नक्शा ही चेंज हो चुका है पूरा। और रास्ते की हालत भी दयनीय ही है, देखिए जहाँ देखिए वहीं धुलाई और साफ कराई ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। मुख्य मार्ग के तौर पे ये बहुत ही अच्छा बनाया जाएगा। गुजराती धर्मशाला देख सकते हैं अभी किस प्रकार से पूरा ढह चुका है आगे का, क्योंकि 3.90 मीटर रोड से ये पूरा टूटा हुआ है, इस साइड की ओर भी लेफ्ट साइड की ओर ही लगभग इतना ही। ये वाला भी देखिए इस बार घर जो मैं बताया था ये भी टूट चुका है। स्टेशन के बाहर कई सारे जो है ये ठेले पे नाश्ता वगैरह मतलब आलू के पराठे वगैरह ये सब काफ़ी अच्छे मिलते हैं। देखिए ये वाला इस बार आप देख सकते हैं टूट चुका है ये वाला घर, इस तरीके से ये सुलभ टॉयलेट जो है ये भी टूटेगा। इधर का ये वाला घर इतना जो सामने दिख रहा है राइट साइड की ओर ये भी टूट जाएगा जल्दी ही। ओह माय गॉड, इधर वाला ये भी मार्ग जो है इधर के साइड भी डक्ट वगैरह बन रहा है, ये भी चौड़ा हो रहा है। थोड़ा सा आपको इधर का भी सीन दिखाते हैं क्योंकि इधर भी इस साइड की ओर भी डक्ट बन रहा है, अभी चलते हैं सीधे। ये देखिए इधर वाला ये डक्ट तो बन ही रहा है और इधर भी डक्ट आप देख सकते हैं, ये भी निकल जाएगा सीधा रामपथ की ओर जाता है। थोड़ा सा यहाँ से ये देख सकते हैं ये डक्ट यहाँ पे बना हुआ है ऐसे होते हुए आगे की साइड, थोड़ा सा चलते हैं आगे आपको दिखा के लाते हैं, बिल्कुल इस वाले मार्ग के ठीक ये बगल में। अब इसे कभी हालत खराब हो जा रहा है इसी धूप में घूमते घूमते, अब से एक हालत नहीं ना खराब है गर्मी। स्टेशन वहां पे इधर की स्टेशन, ये पूरी आबादी है, अबे यार मिट्टियों के ढेर ही लगे हैं, सिर्फ गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई हैं। इधर से आओ दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे दूर ऐसे डक्ट होते हुए आया है, इधर के साइड बना हुआ है जो कि उस मेन रोड से इधर के साइड वाला रोड ये सीधा रामपथ पे वहाँ पे सामने जहाँ पे नीला वाला बोर्ड लगा हुआ है उस पॉइंट पे वहाँ मेन रोड है और डक्ट वगैरह देख सकते हैं ये ऐसे आया हुआ है। इधर वाली भी रोड जो है चौड़ी होगी, मेन स्टेशन वाली तो हो ही रही है और साथ में ये वाली भी हो रही है, सही है दोनों साइड जो है अच्छा खासा बन जाएगा।
आइए चलते हैं उधर से अब इधर के साइड। कूड़े की साफ सफाई का मैनेजमेंट कभी नहीं सही हो पाएगा, कितना भी कोशिश कितना भी अभियान चल जाए, इसका सौंदर्यीकरण अगर करना होगा तो उसके लिए अलग ही कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं इधर। यहाँ पे तो जो है कमाई धमाई लोगों की है ही अच्छी खासी। देखिए इस पॉइंट से वहाँ पे वो डक्ट, इधर ये वाला डक्ट बना हुआ है हनुमंत रेस्टोरेंट, इसका भी बड़ा मामला जो है मैंने देखा है उस पे पब्लिक ऐप पे कोई और ही जो है कब्जा किया हुआ है। अब देखिए हनुमंत रेस्टोरेंट के ठीक सामने भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, डक्ट वगैरह आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सामने बिल्कुल ही किस तरीके से बंद है। पानी बरसात में तो स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है। अभिषेक कहाँ चला गया, काफी ज्यादा आपको कम भीड़ लग रही होगी, ऐसा शायद कई लोगों को अच्छा भी ना लगे और कई लोगों को तो दिल से सुकून मिल रहा होगा। डिजाइनदार अच्छा खासा निर्माण हो रहा है, देखिए कितने अच्छे से डिजाइन बन रही है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी के बाद रामपथ मार्ग अब एकदम साफ साफ नजर आता है। राइट साइड की ओर अच्छा खासा अब काम हो चुका है, इधर भी डक्ट वगैरह देख सकते हैं बने हुए हैं राइट साइड की ओर। जय श्री राम, जय श्री। आगे वहां की स्थिति देख सकते हैं, काफी अब जो दुकान वगैरह थी अब पीछे के साइड लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं इस साइड की ओर डक्ट के ऊपर, ये वाली पाइप देखिए कहीं ना कहीं इंस्टॉल होगी। अब इधर के साइड ये देखिए डक्ट के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से होते उधर के साइड जाके डक्ट मिलेगा दूर उस पॉइंट पे। गर्मी में अभिषेक की भी हालत खराब है, ये देखें विकास प्राधिकरण की ओर से ये बनाया गया है। हालत तो अभी बहुत दयनीय है बरसात में भैया। इधर लेफ्ट साइड की ओर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, राइट साइड की ओर इधर हुआ है। देखिए पहले क्या था, रोड यहाँ यहाँ तक हुआ करती थी, जहाँ पे ये बोर्ड छोटा सा लगा हुआ है ये वाला, अब बोर्ड जो है रास्ते में आ गया है। रास्ते की स्थिति आप देखते चलिए क्या हुआ है। बहुत ही गंदा पानी है ये, जो कि पूरे जूते में आ रहा है और जूता मेरा भीग जा रहा है। देखिए ठेले वगैरह जितने हैं सब उस साइड की ओर लग चुके हैं, सख्त हिदायत दी गई होगी कि सब लोग अपना अपना पीछे कर लें। और ये वाली पाइप इंस्टॉल होगी, पानी वाली वाटर पाइप, इधर के साइड भी देख सकते हैं आप देखिए आ चुके हैं रामपथ मार्ग पे। इधर ही देख के पता चलता है किस प्रकार से क्राउड है। राजकीय श्रीराम चिकित्सालय, फोर व्हीलर इधर से जाना, जिसके पास पास उसी की एंट्री। देखिए पानी पीने की सुविधा कुछ इस टाइप की है।
आइए आपको ये वाला थोड़ा सा मार्ग दिखाते हैं। ये श्री अयोध्या जी प्रसादम बहुत अच्छा बना दिया गया है। ये वाला मार्ग देख सकते हैं अभी मौके पे क्या स्थिति हुई है। ये यहाँ से होते हुए सीधा जाके जन्मभूमि पथ पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा आइए, आपको थोड़ा सा क्राउड भी दिखा देते हैं। जन्मभूमि पथ के पास तो पहले से जो है क्राउड तो भी इस मौके पे कम हुआ है, हो सकता है गर्मी की वजह से। और गाड़ियां वगैरह अब जो है इधर से आ जा रही हैं, चाहे पास हो चाहे ना हो, आ रही हैं जा रही हैं। बिरला मंदिर इधर है, बिरला धमताला उधर है, बिल्कुल ठीक उसी के सामने है जन्मभूमि पथ और श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से ये पूरा जो है इसके अंदर कई सारी सुविधाएं मिलती हैं श्रद्धालुओं को। देखिए आ गए हैं एकदम जन्मभूमि पथ के ठीक सामने। क्राउड देख सकते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा कम है। देखते हैं मिडिल पॉइंट पे चल के वहां पे। मम्मी घर ही जाना। ये देखिए आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए क्राउड तो है भाई। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।